हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसे हम पार्टनरशिप फंडामेंटल भी कहते हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनर्स फर्म, फर्म नेम और नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में भी पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही बनता है, सो इट इज़ एसेंशियल डैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स। तो यह टर्म्स और कंडीशन का होना जरूरी है जिस पर सभी पार्टनर सहमत हों। टर्म्स एंड कंडीशन ओरल हो या रिटन, डीड ओरल हो या रिटन, इस बारे में लॉ डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। कानून यानी कि लॉ इसके बारे में कोई भी कंपल्शन नहीं डालता कि एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए। बट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, भविष्य के अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिस्प्यूट ना हो, तो इसीलिए सबसे बेस्ट यही है कि एग्रीमेंट ओरल की बजाय रिटन में हो। सच रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जिस रिटन डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें लिखी होती हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम था पार्टनरशिप फंडामेंटल, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल बांटा जाएगा। मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उन दोनों में इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मीन साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इसी तरह से उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को भी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6% पर एनम इज़ टू बी अलाउड ऑन ए पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी उस पार्टनर को लोन पे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट पेड इवन फर्म इज़ इन लॉस, अगर फर्म लॉस में भी जा रही है तो भी फर्म को वह इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। अगर पार्टनर्स जो पहले से हैं वो सभी सहमत होंगे तो ही नया पार्टनर आ सकेगा। मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं और बी चाहता है कि सी भी फर्म में ऐड हो जाए, लेकिन जब तक ए की सहमति नहीं होगी तब तक सी पार्टनर फर्म में एंटर नहीं कर सकता। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस, 7th पॉइंट है कि हर एक पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ फर्म, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर फर्म की बुक्स को चेक कर सकता है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन ए अकाउंट इज मेंटेन्ड विच नेम्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इन क्लास प्लस वन यू हैव रीड ए अकाउंट विच नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इस क्लास प्लस टू में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ डेट आएगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप पहले से जानते हैं, उसका बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र होगा उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में।
और जो भी इंटरेस्ट होगा ड्राइंग्स पे, मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं, तो वो जो भी ड्राइंग करेंगे उस पे जो इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म चार्ज करेगी वो भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। डेबिट साइड में आएगा सैलरीज टू पार्टनर, जो पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, कमीशन, जो कमीशन दिया जाएगा, किसी तरह का अगर इंटरेस्ट देना है पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो इंटरेस्ट जो पार्टनर्स की कैपिटल पे दिया जाएगा वो भी डेबिट साइड में आएगा। रिजर्व, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर रिजर्व में रखना है तो वो भी इसी साइड आएगा। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी में अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीड रेशियो या फिर इक्वली बांट दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चीज़ की ही जर्नल एंट्रीज करवाऊँगा, और पिछली वीडियो की जो बेसिक थ्योरी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।